न्यूज़ राइट टुडे देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है सुपर फास्ट का, आइए नजर डालते हैं। साबरमती से 715 ट्रेन किराए देकर सीतामढ़ी पहुंचे 1200 प्रवासी मजदूर। सीतामढ़ी में हुए बड़ी हादसा, करीब ऊपरी डीएसपी की गाड़ी पलटी, बाल बाल बचे अधिकारी। बेगूसराय में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण गई गाय की जान। बेगूसराय जिले में धारा 144 लागू, लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन सख्त। बिहार के बेगूसराय में युवक की पीट पीट कर हत्या, शव उठाने नहीं पहुंची पुलिस तो जंगली जानवरों ने नोच खाया पैर। बिहार के समस्तीपुर में दिन दहाड़े हुए 3 चक्का सवारी वाहनों की चोरी। तेलंगाना से 1275 प्रवासी ट्रेन से पहुंचे खगड़िया, बस से भेजे जा रहे हैं अपने अपने गृह जिले। खगड़िया में कहर बनकर आई प्रकृति ने किसानों को भूखे रहने पर मजबूर किया। बिहार के लखीसराय में प्रवासी मजदूर और छात्रों को घर लौटने को लेकर के तैयारी हुई शुरू। बिहार के दलसिंहसराय के आरबी कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों ने सही ढंग से खाना नहीं देने पर किया जमकर हंगामा। बिहार के समस्तीपुर में जब प्रकृति बरपा रही थी कहर, तभी उचक्कों ने किसान के खेतों से चुरा लिए मक्के। बेगूसराय में 2 स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर के सूरत से बरौनी स्टेशन पहुंचे। पटना समेत बिहार के 3 जिलों में मिले कोरोना के पॉजिटिव मरीज। मैट्रिक के छात्रों का इंतजार हुआ अब खत्म, मई के अंत में आएगा रिजल्ट। तेजस्वी को लेकर के बिहार दौरे पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलिए आपको सब दिखाएंगे। बिहार के नवादा जिले में क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों ने की जमकर हंगामा। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के विभूतिपुर पूर्वी मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार ने अपने निजी कोष से की मजदूर और गरीब लोगों की सहायता। साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचवीर पंचायत में सरकार द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का है बदहाल स्थिति। कोरोना काल में पत्रकारों को सम्मान, बेगूसराय टीम को मां सती की रसोई ने किया सम्मानित।